हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मीस क्विजीन। आज मैं आप लोगों के साथ बिहार की बहुत ही फेमस ठेकुआ की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, लेकिन इस ठेकुआ को हम फ्राई नहीं करेंगे, बेक करेंगे। तो हमेशा की तरह अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए 3/4 कप बारीक सूजी ले लें। अब इसमें 1/2 कप नारियल का बुरादा डालें। नारियल का बुरादा ना हो तो आप सूखे नारियल को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं या छोटे टुकड़ों में काट करके भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालें 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। अब इसमें डालें 1/2 कप पीसी हुई चीनी। चीनी आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच देसी घी डाल दें। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप इसके जगह डालडा भी यूज़ कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। आप इसमें इलायची के साथ फ्लेवर के लिए सौंफ भी डाल सकते हैं। अब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है, अब हम इसमें दूध डालेंगे। तो लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच इसमें दूध डाल दें, या दूध उतना ही डालें जितने में सेमी सॉफ्ट डो तैयार हो जाए। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है, अब हम सूजी को बाइंड करने के लिए इसमें 1/2 कप मैदा ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो मैदे की जगह आटा भी यूज़ कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और सेमी सॉफ्ट डो तैयार कर लें। अब आप देख सकते हैं ठेकुआ का मिक्सचर बाइंड होना शुरू हो गया है, इसका मतलब है ये अब तैयार है। तो ठेकुआ के लिए बिल्कुल इसी तरह का डो तैयार कर लें। ठेकुआ बनाने के लिए इस तरह का सांचा ले लें, ये आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। और ठेकुआ को बेक करने के लिए इस तरह का बेकिंग ट्रे ले लें। अब तैयार डो से छोटी सी लोई बना लें। आप चाहें तो ठेकुए का साइज अपने पसंद के अनुसार बड़े या छोटे रख सकते हैं। इस तरह से लोई तैयार करें। अब एक बोल में थोड़ा सा तेल ले लें। अब तेल को सांचे के ऊपर लगा दें ताकि डो सांचे से ना चिपके। आप चाहें तो तेल की जगह आटे या मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तैयार लोई को सांचे पर इस तरह से रखें और हल्के हाथों से इसे प्रेस करके चपटा कर लें। हमें इसे बहुत पतला भी नहीं रखना है और बहुत मोटा भी नहीं रखना है। ये देखिए ठेकुए के ऊपर कितना अच्छा सा डिज़ाइन आ गया है। अब इसे बेकिंग ट्रे में रख लें और बाकी के डो से भी इसी तरह से ठेकुआ बनाकर तैयार कर लें। अब आप देख सकते हैं सारे ठेकुए अब बिल्कुल तैयार हैं बेक करने के लिए। तो चलिए अब हम इसे बेक कर लेते हैं। अब हम इसे प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 से 35 मिनट के लिए बेक करेंगे, या हम इसे तब तक बेक करेंगे जब तक कि यह लाइट ब्राउन ना हो जाए। ठेकुआ अब अच्छे से बेक हो चुके हैं और इसे बेक होने में लगभग 30 से 32 मिनट लगे हैं। अब इसे इसी तरह से 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दें। अब ठेकुआ थोड़ा ठंडा हो चुका है, अब इसे वायर स्टैंड पर प्लेट से निकाल कर रख दें और इसे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ दें। ठेकुआ अब पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हैं ये हर तरफ से कितने अच्छे से बेक हुआ है। अब ठेकुआ बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए, अब इन्हें प्लेट में निकाल लें और सर्व करें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप इसे बनाइए और अपने फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।